इस शीट का आखिरी क्वेश्चन प्लीज एक बार देखें। ठीक, ये क्वेश्चन आपने देखना है, इफ अर्थ हैज नो रोटेशनल मोशन वाला। क्वेश्चन की स्टेटमेंट मैंने छोटी की हुई है, वैसे स्टेटमेंट बड़ी है। क्वेश्चन यह है कि इफ अर्थ हैज नो रोटेशनल मोशन, इसका मतलब सबसे पहली चीज जो मेरे माइंड में आती है वो ये आती है, ओमेगा इज जीरो, रोटेशन नहीं तो ओमेगा इज जीरो। वेट ऑफ द पर्सन इज डब्ल्यू, कोई बंदा कहां पर खड़ा हुआ है, इक्वेटर। इस पूरा क्वेश्चन इक्वेटर पे ही है, तो इक्वेटर के ऊपर वेट कितना है, डब्ल्यू है उस मैन का। अब वो कह रहा है कि अब ओमेगा बताओ, मतलब मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया, ओमेगा कैसे बताओ, ओमेगा तो जीरो था। अब सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन स्टार्ट हो गया, अगर रोटेशन ना होती तो इक्वेटर के ऊपर मैन का वेट था W, अब अगर रोटेशन है तो बताओ फिर कितनी रोटेशन है, ओमेगा बताओ, ताकि वो पर्सन इक्वेटर पे कितना वे करे, 3W/4। ठीक, प्रॉब्लम समझ में आ गई। तो ये केस देने की जरूरत क्या थी, कौन सा कि अगर रोटेशन नहीं है तो, एक बात बताओ, इक्वेटर के ऊपर जी का फॉर्मूला क्या होता है, जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्डा। इक्वेटर पे लैम्डा इज जीरो, तो इक्वेटर के ऊपर उस मैन की जी की वैल्यू तो कम से कम ये रही होगी, और अगर मैं मास से मल्टीप्लाई कर दूं दोनों साइड्स को तो मेरे पास ये टर्म आ जाएगी। पर वो कह रहे हैं रोटेशन ही नहीं है, जब रोटेशन नहीं तो ओमेगा भी जीरो, तो उसका वेट, एक्चुअल वेट क्या जाएगा, W। इसका मतलब W किसके इक्वल है, mg, यानी कि जो वेट W गिवन है ना, उसमें जो g लेना है वो g इक्वेटर नहीं लेना, वो एक्चुअल g लेना है। क्यों, क्योंकि ओमेगा का इफेक्ट ही जीरो हो गया, तो ये टर्म तो बेकार ही हो गई, तो g इक्वेटर इज इक्वल टू g हो जाएगा, तो उसका एक्चुअल वेट W mg के इक्वल है। क्या ये पहला स्टेप क्लियर है? ठीक, अब वो क्या कह रहा है कि इक्वेटर के ऊपर ये फॉर्मूला तो क्लियर है। एक काम करते हैं कि इसमें इक्वेटर के लिए लैम्डा को जीरो पुट करते हैं तो ये इक्वेशन आ जाती है, मास से दोनों तरफ को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये एम इंटू जी, एम इंटू जी, एम इंटू आर ओमेगा स्क्वायर, ये टर्म आ जाती है। वो कह रहे हैं कि ओमेगा मुझे निकालना है और एक्चुअल वेट एम जी की वैल्यू किसके इक्वल है, डब्ल्यू, नया वेट क्या होना चाहिए, 3W/4 पुट कर दिया, और मास तो मुझे पता नहीं, मुझे तो वेट गिवन है, तो एम की जगह क्या रिप्लेस कर सकते हैं, डब्ल्यू बाय जी, क्योंकि डब्ल्यू क्या है, एम जी, एम क्या है, डब्ल्यू बाई जी, डब्ल्यू 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 क्या हो गया, कैंसल, और कैंसल करके ओमेगा की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड, यहां से आंसर आ जाएगा। उसका तो कैलकुलेशंस है। क्या ये रूल और स्टेप समझ में आया कि इक्वेटर के ऊपर क्वेश्चंस कैसे लैटिट्यूड के साथ हमने किया था कैसे आ सकते हैं? आया हुआ क्वेश्चन है आपका ये मेंस या नीट में से, मुझे पता नहीं किसमें, 2 साल के पेपर के अंदर आया हुआ, ये सारे जो क्वेश्चन है शीट है, ये करंट ईयर पेपर है पिछले 3 साल के, तो आज हम कुछ नहीं कर रहे, आज हम सिर्फ पुराने पेपर्स ही डिस्कस कर रहे हैं पिछले 3 साल के, स्टार्टिंग विद 2018, 2 साल के ही ना, 17 भी नहीं है, 18 ही है, 18 और 19, पहले 18 करेंगे, थोड़ी देर में करंट ईयर पेपर करेंगे। तो यहीं से जो मुश्किल क्वेश्चन है, ट्रिकी है, वो मैं करूंगा अभी क्लास में, जो आसान जो मुझे लगता है हो जाने चाहिए वो आपके होमवर्क होंगे, आपको होमवर्क में ट्राई करना है सारे। ठीक, ट्राई तो मैंने रोटेशन में भी किए थे, क्लास में डिस्कशन की थी मैंने रोटेशन के पुराने पेपर्स की, जिन लोगों ने रोटेशनल की असाइनमेंट की होगी पुराने पेपर्स के उनको पता लग रहा होगा कि ये क्वेश्चंस हैं, और जो नहीं किए हुए वो आपको खुद करने हैं। और कुछ लोग आज क्लास के बाहर भी आप देख रहे होंगे क्वेश्चन पूछ रहे थे, उनमें से 2-3 क्वेश्चन जो नहीं हुए वो पूछ रहे थे कि 90 क्वेश्चन में से इतने हो गए और एक अटेम्प्ट में इतने हमने किए और इसके ये प्रॉब्लम्स हैं हमारे, तो मैं बता रहा था कि इसको ऐसे करना है।
ये क्वेश्चन कितने लोगों को समझ में आ गया कि ये तो ग्राफ देखा लगता है, देखा लगता है, मेरी शीट का ही था। आपको लगता नहीं है मैंने ग्राफ ई का बनाया था, मैंने जी का नहीं बनाया था, और उसने ग्राफ किसका पूछ लिया, स्मॉल जी का पूछा। और हमने क्लास में कौन सा ग्राफ सीखा हुआ है ऐसा, बोलो ये ग्राफ किसका किया था हमने, सॉलिड स्फीयर का कि शेल का? कितने लोग बोलते हैं सॉलिड स्फीयर का, सॉलिड स्फीयर का, कितने लोग बोलते हैं शेल का? अच्छा सॉलिड स्फीयर का, क्योंकि शेल के इनसाइड ई क्या होता था, इसमें जीरो कहीं नहीं है, हर तरफ ई है, तो राइट। तो सॉलिड स्फीयर के इनसाइड ई का फॉर्मूला भी बोल दो फिर, जी एम स्मॉल आर बाई कैपिटल, ऐसे ही था ना, तो यानी कि ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या था, स्मॉल आर, और आउटसाइड जाके ई क्या था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। और हमने किया था ई का और स्मॉल आर का फॉर्मूला क्या था, पहले कैपिटल आर तक स्ट्रेट लाइन, फिर इनवर्सली, ऐसे किया था, राइट। आपको ऐसा लगता नहीं है कि इन फॉर्मूलाज को देखते हुए, क्योंकि ई का फॉर्मूला बाहर क्या है, जी एम बाई आर स्क्वायर, यही है ना, आपको देखते ही लगता है ये तो जी होता है, जी का फॉर्मूला भी तो सेम है, स्मॉल जी क्या होता है, सरफेस के ऊपर स्मॉल जी क्या होता है, बोलो स्मॉल जी, कैपिटल जी एम बाय, और ई क्या होता है, और अगर हम बाहर चले जाते हैं तो डिस्टेंस सेंटर से स्मॉल आर, तो यहां पर स्मॉल आर, तो जी का और ई का फॉर्मूला सेम है, तो इन दोनों का ग्राफ भी एग्जैक्टली तो हो जाएगा मार्क, कोई डाउट इसमें? ठीक, तो ग्राफ तो देखा लगता है, ग्राफ को रिलेट करना है कि ई और जी में एक ही बात है, चलेगा, कोई डाउट इसमें? ठीक, ये क्वेश्चन पढ़ना प्लीज। क्वेश्चन में थोड़ा सा वो ट्रिक खेल गया, मुश्किल नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ध्यान से रिलेट करना। टू पार्टिकल्स ऑफ सेम मास m मूव इन अ सर्कल बिकॉज ऑफ दिस फोर्स f इज अ फंक्शन ऑफ r, का मतलब f r पे डिपेंडेंट है। अब मुझे जो याद आता है, जो हमने क्लास में किया, कोई भी बॉडी जब प्लेनेट के साथ सर्कल में घूमती है, कौन प्रोवाइड करता है उसे सेंट्रिपिटल? देखो तो सर्कल में घूमने के लिए सेंट्रिपिटल फोर्स चाहिए, या ऐसे पूछता हूं कि किसी भी बॉडी को घूमने के लिए सर्कल में सेंट्रिपिटल फोर्स चाहिए, और वो कह रहा है कि वो इसलिए पार्टिकल सर्कल में घूम रहे बिकॉज ऑफ दिस फोर्स, बिकॉज ये फोर्स कौन सी है, सेंट्रिपिटल फोर्स, इसका मतलब ये कौन सी फोर्स है, सेंट्रिपिटल फोर्स। जबकि हमने क्लास में किया था कि सेंट्रिपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर। उसने क्या किया, उस ग्रेविटेशन फोर्स का फॉर्मूला चेंज कर दिया और कहता है ये फॉर्मूला है ये सेंट्रिपिटल, एमवी स्क्वायर बाय आर है, बिल्कुल सही, बट कौन प्रोवाइड कर रहा है सेंट्रिपिटल, ये फोर्स प्रोवाइड कर रही है सेंट्रिपिटल। ठीक है, इसका मतलब ये तो बात पक्की है कि ये फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो एमवी स्क्वायर बाय आर ही होगा। आगे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। फर्स्ट पार्टिकल की दूरी आर वन वन मीटर है, वन है, और सेकेंड की फोर है। आपको रेशियो बतानी है काइनेटिक एनर्जी की इन दोनों पार्टिकल्स की, यहां पर क्या होगी। पहली बात तो फोर्स सेंट्रिपिटल है, इसमें से माइनस कॉमन निकाल लो तो ये टर्म आएगी। याद रखना जब न्यूमेरिकल आएगा और उसमें हर टर्म माइनस होगी, माइनस कॉमन निकालना है,
माइनस साइन ये शो करती है कि फोर्स अट्रैक्टिव है. माइनस साइन का मतलब फिजिक्स में होता है कि फोर्स अट्रैक्टिव है. तो इस केस में फोर्स, या ऐसे बोलो टुवर्ड्स सेंटर है, टुवर्ड्स अट्रैक्टिव है. तो अट्रैक्टिव फोर्स है तो मैग्नीट्यूड जो होगा, मैग्नीट्यूड मस्ट बी इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर, क्योंकि एम वी स्क्वायर बाई आर माइनस माइनस तो नहीं हो सकती, सेंट्रीपेटल फोर्स तो पॉजिटिव ही होगी. तो ये फोर्स का मैग्नीट्यूड एम वी स्क्वायर बाई आर है. एक आर यहां पे एडजस्ट करो तो यहां से किसकी रेशियो आ गई, एम वी स्क्वायर की. हमें किसकी रेशियो निकालनी है, काइनेटिक एनर्जी की. तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर. तो एम वी स्क्वायर की जगह ये पूरी की वैल्यू पुट की, काइनेटिक एनर्जी आ गई. एक बार आर की जगह क्या पुट करना है, वन. एक बार आर की जगह क्या पुट करना है, फोर. रेशियो निकाल लेना, काइनेटिक एनर्जी की रेशियो आएगी. समझ में आएगा कैसे करना है. फिर एक स्टूडेंट मुझसे पूछा कि बाकी सब तो ठीक है, तो यार कैलकुलेशन थोड़ी लंबी लग रही है. लंबी है क्या कैलकुलेशन, आप क्या बोलते हो. वो कहता है कि ये करना पड़ेगा, ये क्या हो जाएगा 17 और ये क्या हो जाएगा 16 प्लस 4 का स्क्वायर, डिवीजन में टाइम लगेगा. वो कहता है ठीक है इतना तो कर ही लोगे, कोई दिक्कत नहीं है. कॉन्सेप्ट लेकिन समझ में आ गया कि कैसे करना है, हाउ टू कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कैसे निकालनी है, ये इंपॉर्टेंट है इसमें. क्लियर है यहां तक, ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर एक क्वेश्चन आया इक्वेटर वाला. प्लीज एक बार चेक करो, ओमेगा ऑफ द अर्थ इंक्रीजेस, ओमेगा ऑफ द अर्थ इंक्रीजेस, हाउ विल इट अफेक्ट जी ड्यू टू लैटिट्यूड. देखो इफ ओमेगा ऑफ द अर्थ इंक्रीजेस, ठीक है ओमेगा इंक्रीज होगा, हाउ विल इट अफेक्ट जी ड्यू टू लैटिट्यूड. मुझे एक बात बताओ, लैटिट्यूड का फॉर्मूला होता क्या है, जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्डा. इक्वेटर के ऊपर लैम्डा क्या होता है, जीरो, और पोल्स के ऊपर लैम्डा क्या होता है, 90. ये टर्म उड़ गई तो क्या बचा, जी. यार इस पोल्स के ऊपर तो ओमेगा का लेना देना है ही नहीं, अर्थ मेरी तरफ से ना घूमे या घूमे क्या फर्क पड़ता है, जी की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा. घूमती है तो भी जी होता है, नहीं घूमेगी तो भी जी है, क्योंकि ये टर्म उड़ जाती है. लेकिन इक्वेटर के ऊपर तो ये टर्म रहेगी, तो जब ये वाली टर्म बढ़ती जाएगी ओमेगा बढ़ेगा, तो 9.8 में से ये टर्म बढ़ती जा रही है तो सब्ट्रैक्शन से रिजल्ट कम हो जाएगा, तो जी की वैल्यू क्या होगी इक्वेटर पे, कम होगी. तो आपको ऑब्जेक्टिव ऐसे मिलेगा, तो पोल्स के ऊपर जी विल रिमेन कॉन्स्टेंट एंड इक्वेटर के ऊपर जी विल डिक्रीज, ऐसे ऑप्शन मार्क करना है. क्या आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कैसे करना है, ठीक. ऐसे नहीं बोलना जी हमेशा डिक्रीज होगी, पोल्स और इक्वेटर के रिजल्ट्स डिफरेंट होते हैं. कोई डाउट इसमें, ठीक. ओके हम इस क्वेश्चन को करेंगे शीट नंबर इसी में 5 नंबर पेज पे है. इफ रेडियस ऑफ अर्थ ऑर्बिट अराउंड द सन इज आर, इसी शीट के अंदर है, थोड़ा ऊपर है.
क्वेश्चन देखो प्लीज, देखो इफ रेडियस ऑफ अर्थ ऑर्बिट अराउंड द सन इज कैपिटल आर, ठीक है, समझ में आता है, रेडियस आर है, दिख रहा है सन और अर्थ है, एंड टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन इज कैपिटल टी, एक चक्कर कितनी देर में पूरा कर रहे हैं, कैपिटल टी, मास ऑफ सन निकाल लो। अब सबसे पहली चीज टाइम पीरियड की बात हो रही है, टाइम पीरियड की प्रॉब्लम दो तरीके से होती है सॉल्व, एक टाइम पीरियड इज 2 पाई आर बाय ऑर्बिटल वेलोसिटी जो हमने क्लास में किया था, एक और शॉर्टकट भी है, जब आपको कैपिटल टी चाहिए होता है ना आप ओमेगा का रिलेशन यूज कर लो, कैसे, जब अर्थ घूमेगी, अर्थ क्यों घूमेगी, ग्रेविटेशनल पुल घुमाएगा, कितना जी मास ऑफ सन मास ऑफ अर्थ बाय कैपिटल आर का स्क्वायर। तो ग्रेविटेशनल पुल क्या प्रोवाइड करता है, सेंट्रीपिटल किसे, अर्थ को, तो अर्थ की सेंट्रीपिटल क्या होगी, एम वी स्क्वायर बाय आर की जगह पुट कर लो एम आर ओमेगा स्क्वायर, और कंफ्यूज करने के लिए उसने छोटा आर नहीं लिया, उसने डिस्टेंस बड़ा आर ले लिया ताकि लोग कंफ्यूज हो जाए, और कैपिटल आर तो अर्थ का रेडियस होता है, वहां पे कुछ गड़बड़ कर दें तो कोई बात नहीं, ये रिजल्ट क्लियर है। इसका एक फायदा होगा, सीधा टाइम पीरियड आएगा, ओमेगा क्या होता है 2 पाई बाय टी, सॉल्व करके मास ऑफ सन कैन बी कैलकुलेटेड, ठीक। ये एक्चुअल में कैपलर्स थर्ड लॉ का ही प्रूफ है, अगर आप ध्यान से देखो तो। आप एक चीज फिर देखो, वो एक तो मैंने आपको बताया था वो नीट में जो आया के वाला, वो भी एनसीईआरटी की डेरिवेशन में से निकाला हुआ क्वेश्चन है, ये भी एनसीईआरटी में से निकाला हुआ डेरिवेशन है, कई बुक्स के अंदर टॉपिक भी गिवन है हाउ टू कैलकुलेट मास ऑफ सन, वैसे बता दूं कैपलर्स के थर्ड लॉ से यही डेरिवेशन है, तो उन्होंने ये ऑब्जेक्टिव की फॉर्म में दे दिया, बट पॉइंट समझ में आता है यहाँ तक कि जो लॉजिक है वो बेसिक लॉजिक वही रहेगा एनसीईआरटी वाला ही, तो उसी को तोड़ मरोड़ के कुछ ना कुछ करते रहेंगे, आपको बस ध्यान से इसको पकड़ना है कि कैसे पकड़ना है, क्लियर है यहां तक, कॉन्सेप्ट तो ज्यादा क्लियर रखना है, ठीक, ओके। फिर देखते हैं, ये तो बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है, नीट में इतनी बार आता है, मेंस में कितनी बार आता है, इस क्वेश्चन को देखें प्लीज। देखो क्या है, इफ ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर रेज टू पावर एन, जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स किसके प्रोपोर्शनल होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर रेज टू पावर टू आर स्क्वायर जी एम वन एम टू बाय आर स्क्वायर, वो कह रहे हैं स्क्वायर हटा दो, आर रेज टू पावर क्या कर दो, एन कर दो, और कभी कभी तो ऑब्जेक्टिव के अंदर कहते हैं आर रेज टू पावर फाइव कर दो, कभी कभी कहते हैं आर रेज टू पावर सेवन बाई टू कर दो, कुछ भी नंबर लगा देगा, मैंने एन ले लिया, क्लियर है यहां तक। तो ग्रेविटी न्यूटन का लॉ चेंज कर दिया, जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर की जगह जी एम वन एम टू बाई आर रेज टू पावर एन कर दिया, वो कह रहे बताओ ऑर्बिटल वेलोसिटी आर के साथ कैसे प्रोपोर्शनल है, ऑप्शन गिवन होंगी कैसे प्रोपोर्शनल है, आर रेज टू पावर एन माइनस हाफ एन प्लस हाफ कुछ भी ऐसे ऑप्शन। तो एक काम करते हैं, ऑर्बिटल वेलोसिटी निकलती कैसे थी, जब एक कोई भी ऑब्जेक्ट गोल घूमेगा तो सेंट्रीपिटल चाहिए, वेलोसिटी को ऑर्बिटल बोलेंगे, कौन प्रोवाइड करेगा सेंट्रीपिटल, जी एम एम बाय आर रेज टू पावर टू नहीं
आर इज टू पावर एन। ये पॉइंट समझ में आया, जो न्यूटन का ग्रेविटेशन लॉ है वो आर स्क्वायर की जगह आर इज टू पावर एन हो गया, छोटा मास कैंसिल हो गया, तो ये वेलोसिटी क्या आ गई? ऑर्बिटल। सेम डेरिवेशन है, आप फिर चेक करो, जिसको रिजल्ट्स बनाने आते हैं उसके लिए इजी है। पॉइंट क्लियर है यहां तक? अंडर रूट को क्या लिख सकते हैं? देखो v इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r, अंडर रूट ऑफ r रेज टू पावर n माइनस 1, अंडर रूट को क्या लिख सकते हैं? हाफ। आंसर मार्क कर लोगे ऑप्शन, ये कोई डाउट इसमें? क्लियर है यहां तक? अंडर रूट को हाफ लिख लिया। इसी का सेकेंड पार्ट है, टाइम पीरियड बोलो आर के साथ कैसे प्रपोर्शनल है। बहुत बार आता है टाइम पीरियड, फिर करो। टाइम पीरियड के लिए काम करते हैं, बेटर है कि एम आर ओमेगा स्क्वायर लगा लो। कैसे? ग्रेविटेशनल पुल कितना है? जी एम एम बाई आर रेज टू पावर एन और एम आर ओमेगा का स्क्वायर। ठीक, जो प्लेनेट घूम रहा है उसका मास एम है, एम और एम कैंसिल, ओमेगा को क्या लिख सकते हैं? 2 पाई बाई टी। तो यहां से स्क्वेयरिंग करके बाकी टर्म, ये r रेज टू पावर n प्लस 1 क्यों आया? क्योंकि r इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो r रेज टू पावर n प्लस 1 हो जाएगा, r की पावर n into r is r रेज टू पावर n प्लस 1। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके t स्क्वायर आ गया, ये सब कांस्टेंट्स हैं, तो t स्क्वायर जब राइट साइड में जाएगा तो हाफ बन जाएगा अंडर रूट, तो क्या बनेगा? r रेज टू पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय हाफ। बना लोगे ऑप्शंस? कोई डाउट इसमें? ठीक है, तो आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़े प्लीज, आज केपलर्स लॉ किया इसके ऊपर बेस्ड है। देखो अगर समझ में, टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ ए इज ए टाइम्स टाइम पीरियड ऑफ बी, तो ए प्लैनेट का टाइम पीरियड इज ए टाइम्स बी प्लैनेट के टाइम पीरियड। डिस्टेंस ऑफ ए फ्रॉम सन बताओ बी से कितना बड़ा है, तो आर ए आर बी का रिलेशन निकालना है, पता लग ही रहा है टाइम पीरियड और रेडियस का रिलेशन, तो केपलर्स थर्ड लॉ। तो ये गिवन है t square proportional to r cube से result बनेगा, t a r a t b r b, यहाँ से t a कितना given है, a times t b, cross multiply करके r a और r b can be calculated। क्या point ले रहे हैं यहाँ तक? ठीक है, ठीक। इस question के बाद ये question पढ़ना, अ बॉडी ऑफ मास एम वाला।
देखो आगे देखो, अ बॉडी जिसका मास m मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस कैपिटल r, ठीक, एक बॉडी जिसका मास m है, पॉइंट मास है, r रेडियस में घूम रही है, किसके आसपास, एक प्लैनेट के आसपास जिसका मास कितना है, कैपिटल m, एट सम इंस्टेंट इट स्प्लिट्स इनटू टू इक्वल मासेस m बाय 2 वो जो बॉडी घूम रही है तो इक्वल हिस्सों में टूट जाती है, जो वो हिस्से हैं वो सर्कल में घूमते हैं, तो पहला मास घूमता है ना रेडियस ऑफ r बाय 2, दूसरा घूमता है ना रेडियस ऑफ 3r बाय 2, आपको बताना है डिफरेंस ऑफ फाइनल एंड इनिशियल टोटल एनर्जी, पहली बात टोटल एनर्जी का फॉर्मूला याद कर लेते हैं, इनिशियल इनिशियली हो क्या रहा था, इनिशियली कैपिटल m के आसपास छोटा m घूम रहा था इन अ रेडियस ऑफ r, तो कैपिटल m एक प्लैनेट है जिसके आसपास अगर स्मॉल m घूमेगा तो उसके पास टोटल एनर्जी क्या होती है, टोटल एनर्जी इज हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, शॉर्टकट याद किया था, तो पोटेंशियल कितनी होगी माइनस gmm बाय कैपिटल r, तो टोटल क्या होगी 2 से डिवाइड कर, तो इनिशियली ये सिचुएशन थी, फाइनल क्या हो जाता है स्मॉल m दो टुकड़ों में टूट जाता है, स्मॉल m बाय 2 स्मॉल m बाय 2, एक टुकड़ा कितने रेडियस में घूमता है r बाय 2 और दूसरा टुकड़ा कितने रेडियस में घूमता है 3 r बाय 2, राइट, टोटल एनर्जी अब कितनी होगी, पहले पार्टिकल की टोटल एनर्जी इतनी होगी माइनस जी एम वन एम टू बाय 2 r, r की जगह r बाय 2, और दूसरे की एनर्जी टोटल क्या होगी इतनी होगी, तो टोटल एनर्जी फाइनल क्या होगी, इन दोनों को ऐड कर दे तो फाइनल एनर्जी आ गई टोटल, हमने क्या निकालना है डिफरेंस ऑफ एनर्जी, इस एनर्जी और इस एनर्जी को क्या कर लेते हैं अब माइनस, डिफरेंस ऑफ एनर्जी कैन बी कैलकुलेटेड, हो जाएगा सॉल्व ये, ठीक, बस वो ये चेक करना चाहता है कि आपको टोटल एनर्जी का फॉर्मूला आता है या नहीं आता, क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ये जो भी क्वेश्चन है मेडिकल वाले लिख लें नॉट फॉर मेडिकल, पहले तो नॉट फॉर मेडिकल, तो नॉन मेडिकल वाले इसे प्लीज देखें, और ये है क्या 2018 में मेंस वालों ने डाला, पर मुझे लगता है ये मुश्किल क्वेश्चन डाला, देखो
देखो क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन समझते हैं। देखो क्वेश्चन की स्टेटमेंट कितने लोगों को समझ में आ गई, पहले ये देख बताओ समझ में आ गई। ट्रिकी है स्टेटमेंट मुझे ऐसा लगता है, फिर भी देखते हैं। टेक मीन डिस्टेंस ऑफ मून एंड सन, गिवन दो डिस्टेंस है, लिख लेना फ्रॉम अर्थ। फ्रॉम अर्थ ऑब्वियसली डिस्टेंस कहां से है, फ्रॉम अर्थ। अर्थ का सन से डिस्टेंस, अर्थ का मून से डिस्टेंस गिवन है। मासेस भी गिवन है आपको सन और मून के, मून और सन के। डेल्टा एफ वन डिफरेंस ऑफ फोर्सेस एक्सर्टेड बाय मून एट नियरेस्ट एंड फार्दस्ट पॉइंट ऑन अर्थ, और डेल्टा एफ टू डिफरेंस ऑफ फोर्सेस एक्सर्टेड बाय सन एट नियरेस्ट एंड फार्दस्ट पॉइंट फ्रॉम द अर्थ। देखो ये स्टेटमेंट थोड़ी मुश्किल है। ये मान लो वो कह रहा है अर्थ है, अर्थ है ठीक। इसमें ये मान लो मून है ठीक। तो ये अर्थ से इसका सबसे छोटा डिस्टेंस है, ये अर्थ से इसका सबसे बड़ा डिस्टेंस है ठीक है। यहां से कोई डाउट इसमें, ठीक क्लियर है। तो ये बताओ कि जब इस डिस्टेंस में से इस डिस्टेंस को माइनस करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, डायमीटर आ जाएगा, डायमीटर आएगा। कोई डाउट इसमें, इस दोनों डिस्टेंस के माइनस को बोलते हैं डेल्टा आर वन लेट अस सपोज, ठीक समझ में आया डेल्टा आर वन क्या है। अच्छा एक और प्रॉब्लम है, जब आप नियर डिस्टेंस लेते हो तो फोर्स एफ वन आएगी, जब दूर का डिस्टेंस लेते हो तो फोर्स एफ टू आएगी। एफ टू में से एफ वन माइनस करोगे डेल्टा एफ वन आएगा, ये डेल्टा एफ वन है। ऐसी वो कह रहे हैं सेम सिचुएशन किसके साथ है, सन के साथ है। सन क्योंकि दूर है, सन पास है, उल्टा बोल लो अर्थ दूर है अर्थ पास है, सन दूर है सन पास है, एक ही बात है। सच दैट सन से डिस्टेंस गिवन है, मान लो ये डिस्टेंस क्या होगा डेल्टा आर वन, फिर से क्या आएगा डायमीटर ऑफ अर्थ, और फोर्सेस जब होंगी डेल्टा एफ टू, डेल्टा एफ टू। अब वो कह रहा है डेल्टा एफ वन डेल्टा एफ टू की रेशियो निकालो फोर्स की क्या होगी, ठीक मुश्किल क्वेश्चन है, क्वेश्चन समझने में ही मुश्किल है पहले तो। चलो फिर भी कर लेते हैं। जब मून और अर्थ की बात होती है तो लेट अस सपोज कोई डिस्टेंस आर वन है उनके बीच में किसी इंस्टेंट पे, तो फोर्स का ये फॉर्मूला। सन और अर्थ के बीच में फोर्स का ये फॉर्मूला, अगर मैं इसे क्योंकि मेरे को चाहिए डेल्टा एफ वन, तो एक काम करते हैं इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, डी बाई डी आर डी बाई डी आर, इसको डिफ्रेंशिएट करके मेरे पास आर रेज टू पावर माइनस टू की डिफ्रेंशिएशन करके ये आंसर आएगा। तो ये स्मॉल फोर्स डी एफ की वैल्यू आएगी, टोटल फोर्स टोटल चेंज निकालने के लिए डेल्टा और डेल्टा एफ वन डेल्टा आर वन कर लिया, तो ये डेल्टा एफ वन इन टर्म्स ऑफ डेल्टा आर वन आ गई। और डेल्टा आर वन क्या चीज है मैंने समझाया, डेल्टा एफ वन क्या चीज है वो समझाया। सिमिलरली ऐसी यहां से डिफ्रेंसिएशन करके अब डेल्टा आर टू और डेल्टा एफ टू का रिजल्ट निकालोगे, अब इन्हें डिवाइड करोगे, डेल्टा आर वन डेल्टा आर टू डायमीटर कट जाएगा अपने आप, डिस्टेंसेस आपको गिवन है, मासेस आपको गिवन है, चार वैल्यूज को पुट करके फोर्स की रेशियो आएगी, ये क्वेश्चन आएगा और ये इसका सॉल्यूशन है। पॉइंट क्लियर है यहां तक, मेरी ड्यूटी है दो साल तीन साल के पेपर का फ्लेवर देना, कुछ आसान है कुछ मुश्किल है चलता रहता है, ये तो गेम का पार्ट है, आसान मुश्किल कुछ होते हैं कुछ नहीं भी होते कोई दिक्कत नहीं है, चलने दो हमारा काम है कोशिश करना, हम कोशिश करते रहेंगे। कोई डाउट इसमें, ठीक ठीक है। एक काम करना है अब आपने, प्लीज साइलेंस, मेंस और नीट के कुछ पेपर्स हैं,
एक तो जो नॉन मेडिकल के स्टूडेंट हैं उनको ये चेक करो, मिल गई प्रिंट आउट मिला इसका आज? अभी मिला? आज नहीं मिला, आज सिर्फ एक ही शीट मिली है। ठीक, दो मिनट वेट करो। कोई बात नहीं, अभी प्रिंट आउट दो मिनट निकल रहे हैं। कोई बात नहीं, जाते हुए होमवर्क अभी एक काम करते हैं, शीट नंबर 104 जो अभी आपको मिली है इसे एक मिनट ओपन करना प्लीज। 2019 का पेपर है जो इस साल ऑनलाइन पेपर आया है, उसके कुछ क्वेश्चंस मैं लिख के लाया हूं जो मुझे लगता है कि मैं डिस्कस कर लूं तो बेटर है। जो मुझे लगता है कि आप खुद कर सकते हैं वो मैं अभी थोड़ी देर में आपको होमवर्क दूंगा, वो आपने खुद नेक्स्ट टाइम करके आने हैं। ठीक, मुझे ऐसा लगता है कि हो जाएंगे। ओके, करते हैं फिर स्टार्ट। देखो, पहला क्वेश्चन ये आया कि If angular momentum of a planet of mass m moving around the sun is l, aerial velocity क्या है? मुझे ये बताओ कितने लोग हैं जिनको इसका आंसर डायरेक्ट याद है, aerial velocity l/2m। अच्छा, कितने लोगों को याद है कि rotational motion में Kepler's second law का proof आता था और उसमें aerial velocity constant करने का proof था? वो प्रूफ करते 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 एरिया निकालते निकालते एंड रिजल्ट यहां पे अटक जाता था और फिर हम लिखते थे एल इज अ कांस्टेंट, टू इज अ कांस्टेंट, एम इज अ कांस्टेंट, तो एरियल वेलोसिटी इज अ कांस्टेंट। उन्होंने एज इट इज डेरिवेशन को उठाया। फिर ये आज की क्लास में तीसरा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी की डेरिवेशन उठा के तीसरी बार उन्होंने क्वेश्चन बनाया और ये आंसर आया l/2m। दो स्टूडेंट्स को दूसरे बैच में याद आ गया, देखते हैं l/2m आंसर है कि तुमने किया हुआ था। पॉइंट क्लियर है यहां तक? कोई डाउट इसमें? याद आ रहा है, रोटेशनल मोशन में एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट करोगे आंसर आएगा।
फिर भी मैंने इसका आंसर लिख दिया। एरियल वेलोसिटी जब हम कैलकुलेट करते हैं तो याद करो एरिया निकालते थे हाफ इंटू बेस इंटू डी आर, मान लो ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है, एंगल इज आर्क बाय रेडियस, एंगल कवर डी थीटा है, एंगल कवर डी थीटा, एंगल इज आर्क बाय रेडियस, और आर्क इज एंगल इंटू रेडियस, तो डी आर की जगह वैल्यू पुट करके ये क्या आती है एरियल वेलोसिटी, इसको टाइम से डिवाइड करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं डी ए बाई डी टी, तो एरियल वेलोसिटी का फॉर्मूला जिसमें ओमेगा आता है तो ये ओमेगा बन जाएगा। एंगुलर मोमेंटम एल क्या होता है आई टाइम्स ओमेगा, पॉइंट मास के लिए आई क्या होता है एम आर स्क्वायर, ओमेगा यहां से निकाल के यहां पुट करो आंसर आ गया। अगर आपको नहीं भी याद तो कोई टेंशन नहीं है, एटलीस्ट आपको ट्रिक पता होना चाहिए हाउ टू कैलकुलेट एरियल वेलोसिटी, बात खत्म। क्या ये रूल क्लियर है? ओके उसके बाद ये क्वेश्चन प्लीज एक बार देखें, ये फिर 2019 में क्वेश्चन आया मेंस वालों को, ये चार क्वेश्चन जो या पांच क्वेश्चन की शीट है मेंस की है, नीट वालों को इजी क्वेश्चंस आए और दूसरे बैच में भी दिए थे तो मैं देख रहा था स्टूडेंट्स, क्योंकि अभी प्रिंट आउट निकला, पर कोई बात नहीं आप घर पे ट्राई करना, 8-10 क्वेश्चन तो लोगों ने ऐसे कर ही दिए 10 मिनट के अंदर, इजी टू लाइनर्स और वन लाइनर्स दैट्स इट। मेंस वालों में थोड़ा सा पढ़ना पड़ता है, पढ़े प्लीज, नीट वाले भी पढ़ लें प्लीज, ठीक। मैं होमवर्क दूंगा आज, आप ट्राई करना ग्रेविटेशन कैसा आया है, देखें प्लीज। एनर्जी रिक्वायर्ड टू टेक अ सैटेलाइट, ध्यान से प्लीज, एनर्जी रिक्वायर्ड टू टेक अ सैटेलाइट टू हाइट ऑफ h अबव द अर्थ सरफेस इज e1। देखो सबसे पहले ना आपको e1 सोचना पड़ेगा, ये e1 है क्या, तभी आगे बात बनेगी, नहीं तो बनेगी नहीं। जैसे अगर आपके पास ये एक अर्थ ये h, तो आप सैटेलाइट को यहां से यहां लेके गए हैं, तो यहां पर उसके पास एनर्जी थी कितनी, माइनस जी एम एम डिवाइडेड बाय आर, और यहां पर कितनी है माइनस जी एम एम डिवाइडेड बाय आर प्लस एच, राइट। तो आप अगर ये कहें कि सैटेलाइट सरफेस ऑफ अर्थ पे है, कुछ तो एनर्जी उसके पास है ही है ना, आपने एनर्जी प्रोवाइड की ताकि वो एच हाइट पर आ जाए, तो ये एनर्जी हो गई, तो चेंज इन एनर्जी इज इवन। तो इवन का मतलब क्या होगा, जितनी आपने एनर्जी दी कि वो एच हाइट पर आ जाए, तो इसका मतलब क्या हुआ, फाइनल एनर्जी माइनस जीएमएम आर प्लस एच में से इनिशियल सरफेस की एनर्जी को माइनस करेंगे, जो आंसर आएगा वो इवन आएगा। कोई डाउट इसमें? सबसे पहला काम हाउ टू डिफाइन इवन, स्टेटमेंट पढ़ के इवन को डिफाइन करना आना चाहिए। क्या ये पॉइंट क्लियर है? बहुत अच्छा होता अगर वो ये बोलता कि अमाउंट ऑफ वर्क डन, वर्क डन समझ में आता है, चेंज इन एनर्जी इज वर्क डन, उसे एनर्जी बोल दिया तो थोड़ी कंफ्यूजन हो गई, क्लियर। दूसरा, अब वो कह रहा है काइनेटिक एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर सैटेलाइट टू बी इन अ सर्कुलर ऑर्बिट इज E2। अब काइनेटिक एनर्जी होती क्या है, काइनेटिक एनर्जी जो होती है किसी भी सैटेलाइट की हाफ एम वी का स्क्वायर, और v फॉर कौन सी वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी, सैटेलाइट किस वेलोसिटी से घूमती है, ऑर्बिटल, तो हाफ इंटू एम इंटू ऑर्बिटल कितनी है, अंडर रूट ऑफ जी एम बाय आर प्लस एच का स्क्वायर। इसे सिंप्लीफाई करेंगे, देखो ये काइनेटिक एनर्जी आ गई।
तो E2 का मतलब काइनेटिक एनर्जी, E1 का मतलब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। वो कह रहे हैं दोनों एनर्जीज का मैग्नीट्यूड एग्जैक्टली सेम है, इक्वल कर लेना, निकाल लेना, H r/2 आएगा, डन। मेन चीज थी हाउ टू डिफाइन एनर्जीज, है क्या एनर्जीज, ये इंपॉर्टेंट है। कोई डाउट इसमें? ठीक है, यहां तक। इस क्वेश्चन को एक बार प्लीज देखें, ये क्वेश्चन मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूं, इस क्वेश्चन को पढ़ें, चाहे तो इसके नीचे सॉल्व किया हुआ ऑप्शन भी पढ़ें, और बाद में मुझे बताएं सर ये तो एक लाइन का क्वेश्चन था, तो फिर मैं मानूं कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। लंबा किया हुआ है ये, एक लाइन में सॉल्व, पेन को हाथ नहीं लगाना तो भी सॉल्व होता था। देखो प्लीज, ये तो उल्टा लंबा कर दिया। जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं वो प्लीज, जो लोग रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं वो प्रिंट आउट लें, 103 शीट, दो शीट्स हैं, 103 ग्रेविटेशनल मोशन जेई मेंस। अगर आप नॉन मेडिकल के हैं तो जेई मेंस वाली शीट लें, और अगर आप मेडिकल के हैं तो नीट लिखा हुआ है इसमें 103 के, तो उसका प्रिंट आउट लें। ठीक, तो मैं ये शीट दे रहा हूँ, आपको घर जाके प्रैक्टिस करनी है इस शीट को, और प्लीज इसको जरूर ट्राई करें ताकि कॉन्फिडेंस, मेडिकल वाले लोग तो मेडिकल के लोग चाहिए इसको छोड़ के यही कर लें, अभी स्टार्ट करें पता लगेगा। पीछे इधर से आपके उसमें आ जाए, क्वेश्चन समझा देता हूं। क्वेश्चन ये है कि अ सैटेलाइट इज मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड वी इन अ सर्कुलर ऑर्बिट। ठीक है, समझ में आता है, एक सैटेलाइट कांस्टेंट स्पीड से मूव करता है, और स्पीड कितनी है उसकी, वी। वी कौन सी वेलोसिटी कहलाई जाएगी, ऑर्बिटल की एस्केप, मतलब सैटेलाइट चला गया ग्रेविटी, अब नहीं मिलता, अब तो पता नहीं किस यूनिवर्स में हिस्से में, ऑर्बिट, ऑर्बिट में घूमती है सेटेलाइट, ऑर्बिटल, एस्केप का मतलब तो अब नहीं मिलती, गई, उड़ गई बस, अब ग्रेविटेशनल पुल से बाहर चली गई, ऑर्बिटल। ठीक, वी फॉर ऑर्बिटल, ऑब्जेक्ट जिसका मास एम है इज इजेक्टेड फ्रॉम द सेटेलाइट, सेटेलाइट से एक ऑब्जेक्ट को फेंका जाता है सच दैट वो एस्केप कर जाता है पुल को, तो आपको यह बताना है कितनी काइनेटिक एनर्जी से उसको फेंका गया। तो मुझे यह समझ में आता है कि काइनेटिक एनर्जी जो उसकी होगी वो क्या होगी, हाफ m into कौन सी वेलोसिटी, एस्केप, ऑर्बिटल ने एस्केप वेलोसिटी, तो फर्स्ट आई हैव टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ एस्केप वेलोसिटी। वैसे तो मुझे ये पता है, ये करने की मेरे को जरूरत नहीं है, एस्केप वेलोसिटी और ऑर्बिटल वेलोसिटी में सिर्फ 2 का फर्क होता है, और अगर आप एस्केप और ऑर्बिटल वेलोसिटी को देखें तो यहां पर रिजल्ट सीधा क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ 2। ये समझ में आया, क्योंकि जो मान लो ये अर्थ है, अर्थ है, और कोई भी अगर सैटेलाइट यहां घूमती है तो ऑर्बिटल वेलोसिटी उसकी वी क्या होती है, अंडर रूट ऑफ gm/r, यही होती है ना, और उसी तरीके से एस्केप क्या होती है, अंडर रूट ऑफ कितने, 2 gm/r। लेकिन ये तो रिजल्ट तब लगते हैं जब सैटेलाइट बहुत नजदीक है सरफेस ऑफ अर्थ के, नजदीक नहीं होगा तो हद से क्या होगा, r+h यूज करना पड़ जाएगा, तो डिनोमिनेटर में r+h हो जाएगा, नहीं तो कुछ ना करो, मान लो इनके बीच में डिस्टेंस कितना है, स्मॉल आर, तो हर जगह क्या पुट कर दें, स्मॉल आर, कुछ भी चाहे कुछ भी पुट करेंगे, दोनों के दोनों फॉर्मूला भी चेंज होंगे, एक थोड़ा चेंज होगा, सच दैट जब आप इन्हें डिवाइड करेंगे तो चेक कर सकते हैं एस्केप वेलोसिटी में √2 एक्स्ट्रा है। तो ये करने की आपको जरूरत
नहीं तो सीधा लिखेंगे escape velocity is root 2 times orbital, और हमने कौन सी देनी है half m, escape का square, escape क्या है root 2 into v, इसका square करेंगे तो आंसर आएगा mv square, कोई doubt इसमें, clear है यहां तक, तो ये practice चलती रहेगी, next lecture में भी चलेगी, और papers करेंगे, और try करेंगे, तब तक try करेंगे जब तक ये ना लगे कि हमें आप कोई question दो, हम भी करके दिखाएंगे, ठीक?